नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो बहुत अमेजिंग वीडियोस बाय द फूड यात्रा टीम फ्रॉम पुणे। और अभी रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में हम आए इमदी में। ये आता है कैंप के अंदर, यहाँ पे ना रात में फुल बफे लगता है, मतलब फ्रॉम चिकन मटन एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको समोसा मिलेगा, चिकन सीख कबाब मिलेगा, स्टार्टर में आइटम मिलेंगे, बिरयानी में आइटम मिलेंगे। और सबसे जो चीज़ मेरे को टचिंग लगी ना, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इनका ना मोटिव बहुत अच्छा है। मतलब जितना पैसा कलेक्ट होता है पूरे डे में वो सारा ना चैरिटी में जाता है। तो दिखाते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटी और इनके पास क्या क्या मिलता है। चलो चलते हैं। हम ना यहाँ के जो मेन हेड सर है, इमदादी जो मैनेज करते हैं, तो सर आप मुझे पूरा एक टूर दीजिए, अपने पास इमदादी में क्या क्या वैरायटी है और क्या मोटिव रहा है और कितने सालों से इमदादी रमजान के महीने में अपन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये हमारा राउंड अबाउट 35 ईयर्स होगा मोटिव, ये तुम्हारा एस्टैब्लिश 35 ईयर्स हो चुके हैं और 35 ईयर्स में वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इमदादी का चैरिटी के हिसाब से लगा है भाई। ओके, तो आप मेरे को अभी इफ्तारी के लिए क्या क्या रखा है वो आइटम दिखाइए पहले। क्या क्या है एक बार आप बताते हुए चलिए। ये समोसा है, चिकन समोसा है, चिकन समोसा है, ये चिकन काड़ी गोश है, ये चिकन रोल वगैरह सब हिसाब से। ओके, और ये जो है ये चिकन पालक तिल है, ओके तिल पालक, और ये रशियन कबाब, ओके समोसा, ओके इधर ये चिकन स्टिक है, चिकन स्टिक है लॉलीपॉप है, ओके ये चिकन, ये जो चिकन स्टिक है ये वो समोसा है। हाँ, और उधर ये स्वीट डिश के अंदर है वो दूधी हलवा है, ये हलवा है, ये दूधी हलवा है, ये दूधी का हलवा, दूधी का हलवा, और वो शाही टुकड़ा, और पीछे वो तंदूरी है, चिकन तंदूरी, पीछे वो तंदूरी है वो। अच्छा, बाप रे, एट ए टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लग रहे। और मैंने ऐसा सुना है सर, ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है ये एक महीने के लिए ही है, एक महीने के लिए ये पूरा बेस जो बनाया गया, बेस पूरा एक महीने के लिए ये सब। अच्छा, इसके अलावा अंदर कुछ स्टार्टर के अलावा कुछ है और खाना है ना, बहुत सारे चलेगा, चलते सर अभी तंदूरी है। तो वो जो पीछे वाला जो काउंटर था वो सारा मेकिंग काउंटर था, काउंटर है। हाँ, ये वो मेकिंग काउंटर है अभी हमारा। अच्छा, वो मेकिंग बना, यहाँ से इधर आके हम लोग ऐसे सेलिंग काउंटर है। अच्छा, यहाँ पे सर्व होगा, यहाँ पर सर्व होगा, सब डिलीवरी होगा, सब होगा, सब होगा। अच्छा, ये रेडी होने के बाद, रेडी होने के बाद में जैसा ऑर्डर आएगा वैसा हम लोग ये बेचते हैं फिर। ओके, ये रेडी हो गए सारे, ये रेडी हो गए सब। ओके, इधर तवे पे आइटम्स में कौन से कौन से आइटम, आइटम है सब, मैदा रोटी वगैरह ये प्रिपेयर होता है सब। अच्छा, ये क्या है, ये चना बोटी है, चना बोटी इसको बोलते हैं। ओके, और ये रोल में, ये रोल वगैरह सब, चिकन रोल, अंडा रोल, सब ये रोल्स है। अच्छा, यहाँ पर बन के फिर काउंटर पर सेलने के लिए जाता है। अच्छा, उसके अलावा उधर ये सीख है तुम्हारा, उधर सीख टिक्का वगैरह सब। अच्छा, उधर सीख लगेगा, इधर सीख लगेंगे उधर सब। हाँ, ये सीख मिंट वगैरह दिख ही रहा है, सब सब सीख, अभी सीख का चालू होगा, चालू होगा, अभी थोड़े से चालू करेंगे। अच्छा, ये सारा मैरिनेशन वाला, ये सब मैरिनेटेड माल है हमारा, सब फ्राई आइटम का माल है इधर। अच्छा, और इधर ग्रेवी रेडीमेड ग्रेवी होगी सब रहते, और जैसा ऑर्डर आएगा ये हमारी स्पेशलिटी है। हाँ, ये तुमको पुणे में किधर फ्राई करके किधर मिलेगा नहीं तुमको, यहाँ पे सारे ग्रेवी वाले सब, ग्रेवी वाले आइटम सब तुम्हारे, चिकन और यहाँ रोटियां, ये रोटी इधर हमारा तुम्हारा, ये मिलेगा तुमको पराठा मिलेगा, उधर रुमाली रोटी मिलेगा, और उधर तुम्हारा तंदूरी रोटी और बटर नान वगैरह मिलता, तंदूरी रोटी और बटर नान, ये खिचड़ा है हमारा बेचने के स्पेशल। अच्छा, इधर खिचड़ा है, एक बार दिखाइए, ये ऐसा खिचड़ा है, निकाल प्लेट निकाल, एक खिचड़ा है जिसको हलीम भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ, साउथ का तुम्हारा हैदराबादी, इसको हलीम बोलते हैं, मटन हलीम बहुत चॉप्ड होता है ना, ये बहुत उसे मिक्स कर डालते हैं। हाँ, ये इसके अंदर मिक्स नहीं, इसके नाम अखंड बोटी है साथ। अच्छा अच्छा, हलीम में क्या बाकी सब इंग्रेडिएंट सेम है। हाँ हाँ, और उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, राइट, और उसके बरिस्ता वगैरह होता है, बरिस्ता तो इसमें भी रहता। अच्छा, बरिस्ता इसमें भी रहता, लेकिन उसमें कैसा पूरा मिक्स कर डालते हैं, हलीम तो बहुत बहुत पतला पतला करता है, पूरा मिक्स करते घोर डालते हैं। और इधर राइस है, बाकी सब हमारी दालचे का काउंटर है, इधर ये दालचे का राइस, दालचा राइस है इधर हमारा, ये हाँ हाँ, इधर एक खीमा है, खीमा है, खीमा है, ये भिंडी गोश है,
भिंडी गोश्त, भिंडी गोश्त, ये चिकन कोरमा है, चिकन कोरमा, उधर चिकन है, ये सब दाल चाय, मटन दाल चाय वगैरह सब पूरा है हमारा। अच्छा, बिरयानी वगैरह? बिरयानी है उधर, उधर बिरयानी है, उधर बिरयानी अंदर सब। ओके, प्लेट्स का काउंट देखो और सेटअप देखो, पूरा सेटअप उसी के लिए रखा है कि ये पूरा ना सिटिंग एरिया है, यहाँ पे ना आप इंजॉय कर पाओगे आराम से। और वो जो काउंटर था वहाँ पे आपको पूरा टोकन लेके, यहाँ पे सेल्फ डिलीवरी है कि कैसा है? सेल्फ लेके आओ, यहाँ पे खाओ, इंजॉय करो। तो पूरा ना थोड़े देर बाद, मतलब राइट नाउ इट्स 5:30, 7 बजे या 6:30 बजे फुल जैम पैक। 7:30 बजे तो रात में तो नेक्स्ट लेवल माहौल रहेगा। तो अभी थोड़ा देखते क्या क्या प्रिपरेशन अपन लगवा सकते हैं। हाँ, 7 के बाद तो फुल तो क्राउड ही रहेगा, फुल चालू हो जाएगा, फुल भरती बहुत ज्यादा रहता है 7 के बाद। आज तो ऊपर से संडे है तो देख लेना क्या क्राउड रहेगा। अभी जितने काउंटर थे ना सारे फुल एक्टिव मोड में एक्टिव हो चुके हैं, मतलब पीछे कोल्ड ड्रिंक भी फुल एक्टिव हो चुके हैं, उधर वो दालचा वाला काउंटर जो था, बिरयानी वाला काउंटर जो था वो फुल एक्टिव, उधर फ्राई वाला काउंटर एक्टिव है। देखो इतने सारे चिकन फ्राई निकाल चुके हैं, उधर वो कढ़ाई में वो हो रहा है, उधर आप पीछे देखोगे तो उधर सारे सब्जियां बनने चालू हो गए फुल फ्लेज में, उधर मेरे पीछे आओगे तो आप सीख कबाब भी सारे वैरायटी में लगने चालू हो गए। फटाफट फटाफट ऑर्डर चालू हुए। अभी ये शो आपको पूरे 11 बजे तक देखने मिलेगा। इधर सारे आपको परोठे के भी, अभी वैरायटी जितनी थी पराठे भी फुल एक्टिव मोड में हो गए। मस्त माहौल हो रहा है यार। बस अभी सिर्फ 7:20 हुए, रात के 8:30 या 9 बजे तक तो ये फुल जैम पैक हो जाएगा। मतलब अभी भी है फुल क्राउड है पीछे, बट रात के 9 बजे तक तो फुल पैक। पूरा टेबल सज चुका है और प्रो मोड एक्टिव हो चुका है, मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो गया। तो बताते हुए चलते हैं, हमने लिए यहाँ पे 2 रोटियाँ, मतलब एक तंदूरी एक रुमाली, यहाँ पे चिकन सीख कबाब, यहाँ पे है शाही टुकड़ा, यहाँ पे है फिरनी, यहाँ पे है मलाई तंगड़ी, मतलब मलाई तंदूरी, यहाँ पे ये इसका नाम बताना उत्कर्ष भाई, मटन गुर्दा कलेजी भेजा मिक्स, ओके, मस्कमेलन फालूदा, चिकन बिरयानी, यहाँ पे है अपना नॉर्मल तंदूरी चिकन, और ये मुर्ग मसलम। अभी भाई ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब खाने में फोकस किया जाए। मस्त है यार बकरे की टेस्ट। चिकन सीख कबाब इज ऑल्सो गुड। कैसा लगा ये ट्राई कर? वो तो खा ही रहा हूँ मैं जब से, मलाई वाला है, थोड़ा मीठा रहेगा, परफेक्ट, आराम से आराम से। भूख लग गई मेरे बाप। सबसे बेस्ट चीज और सबसे यूएसपी वाली चीज यहाँ की जो है अमदादी की, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा चैरिटी में जाता है, और इनका मोटिव नहीं, ये बहुत सालों से चले आ रहा है, इसलिए यार मेरा भी मेन मोटिव था कि ये जल्द से जल्द आके आपके सामने ऐसी जर्नी शेयर करूँ। फूड इज़ वेरी गुड, फूड इज़ वेरी गुड एंड देयर मोटिव इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब ना आखिरी एंड करते इससे मीठे से। लाजवाब भाई लाजवाब। उत्कर्ष भाई मैं 10 में से 10 रेटिंग दे रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल था, तुम्हारा पता नहीं भाई। मेरा 10 में से 11। 10 में से 11। आपको कोई भी ग्यारह नहीं, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलता हूँ जल्दी कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।